लफड़ा 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 नहीं, मैं लफड़ा सेंट्रल की बात नहीं कर रहा हूँ। जबकि सब उसकी बात कर रहे हैं, वो शो में मेरे भी शेयर जो के तगेश भाई के साथ। और वीडियो में आगे जाने से पहले आईपीएल के मैचेस तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं ना वो सिर्फ देख नहीं रहे, देख के बहुत सारे प्राइजेस भी जीत रहे। आज का स्पेशल प्राइजेस सैमसंग S24, वो भी सिर्फ ₹1 में। 80,000 का फोन ₹1 में दे रहे, कैसे? पूरा वीडियो देखना। लेकिन रजत दलाल वर्सेस राजवीर, मैक्सटन वर्सेस एलविश, तगेश वर्सेस रजत दलाल, ये लफड़े नहीं होते। लफड़े क्या होते? ध्रुव राठी वर्सेस सीधा बीजेपी। यस, इलेक्शन का टाइम है, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा आज के टाइम पे? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट पार्टीज, मोदी जी नहीं, ध्रुव राठी। भाई ने एक ही दिन में मोदी जी के खिलाफ वीडियो बना के 16 मिलियन व्यूज ले लिए। मोदी जी को तो फेम भी नहीं चाहिए यार, हमारे ऊपर बना देते। ध्रुव के हेटर्स बेसिकली उसको बोल रहे थे देश के बाहर से क्या वीडियो बना रहे, देश में आके बना। लगता है ये भी रजत भाई से इंस्पायर होकर लोकेशन पे पहुंच गया। मैं भी वेट कर रहा हूँ कि मोदी जी अभी लाइव आएंगे इंस्टा पे और बहन के टके गाना बजाएंगे। दोनों भाई मेरे छोटे हैं, दोनों बैठे हैं यहाँ पे, इनका जो भी मैटर था आपस में वो सोल्व हो गया है। एक तो ध्रुव भाई के वीडियो देखता हूँ ना, सब वीडियो ऐसे लगते एकदम बीटी वीडियोज है, ऐसा लगता है दुनिया है ही नहीं है, वीडियो की वीडियो वीडियो बन के दुनिया खत्म होने वाली है। में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ है देश में उसे देखकर तो यकीन। एडिटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक से नहीं लग रहा नेटफ्लिक्स का कोई मर्डर मिस्ट्री देख रहा हूँ। ध्रुव राठी फाइल्स। ध्रुव भाई इतना ही फ्यूचर के बारे में पता है तो बता दो, लफड़ा सेंट्रल का अगला गेस्ट कौन होगा? ध्रुव इंडिया आने से आपको उतना सरप्राइज नहीं होगा जितना डॉली की टपरी और वायरल वड़ा पाव वाली के मिलन कोलैबोरेशन से होगा। आजकल कोलैब बहुत वायरल नहीं जा रहे? थगेश भाई और मितपैट का रील 47 मिलियन गया। रजत भाई थगेश भाई का लफड़ा सेंट्रल ट्रेंडिंग नंबर 1। एलविश और सांप का कोलैब हर न्यूज चैनल पे। वैसे इन दोनों का कोलैब भी बहुत वायरल हुआ। बेसिकली जिसको ये वड़ा पाव वाली के बारे में नहीं पता, ये वही है जो मेन्यू कार्ड के जगह पे विक्टिम कार्ड सर्व करती है, जो 15 का वड़ा पाव 50 में बेचती है, ₹35 ज्यादा इसलिए क्योंकि ओवर एक्टिंग ज्यादा करती है। एक तो डॉली को भी रोस्ट करने को आजकल डर लगता है, पता नहीं साला कब रोस्ट बैक कर दे। भाई हागने तो बैठ गए लेकिन लोटा नजर नहीं आ रहा तुम्हारा कहीं। लोटा तू लेके गया पानी पीने? मैंने सुना तुम्हारे यहाँ की चाय बड़ी मीठी रहती, चिपक जाएंगे कहीं तुम्हारे पहले से चिपके हुए तो नहीं है? डॉली भाई रोस्ट वीडियो में इतना मीम डालने को शर्म नहीं आता है? वो सिर्फ थगेश भाई के पास आईपी है। सीरियसली ये मेरे अभी रोल मॉडल है क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया है जो भी फिलहाल मैं फेस कर रही हूँ। दी का रोल मॉडल डॉली की टपरी है। लोगों के रोल मॉडल होते हैं एमबीए चाय वाला, सॉरी ये भी होता है, लेकिन डॉली की टपरी चाय वाला को रोल मॉडल रखना था तो मोदी जी को रख लेते, या तो जैसा मैंने बोला एटलीस्ट एमबीए चाय वाले को रख लेते। हाँ, दिल्ली म्युनिसिपैलिटी पे पनौती लग जाता। अच्छा, आगे जाने से पहले बात करते हैं कैसे आप जीत सकते हो ₹1 में सैमसंग S24। जिनको S24 ₹1 में नहीं चाहिए वो आगे स्किप कर सकते हैं, आपका लॉस है। लेकिन अगर असली क्रिकेट फैन हो तो अपनी क्रिकेट नॉलेज का जलवा दिखाओ यार माई 11 सर्कल ऐप पे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो एंड अपनी टीम बनाओ 6 अप्रैल के राजस्थान वर्सेस बेंगलुरु मैच के लिए। डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो एंड जीत सकते हो सैमसंग S24। एंड इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस है ₹1। जैसा मैं बोल रहा हूँ ₹1 हम कहाँ कहाँ खर्च कर देते, यहाँ पे ₹1 में S24 जीतने का मौका है यार। लेकिन ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 6 अप्रैल के मैच के लिए वैलिड है, मेरे ही सब्सक्राइबर्स के लिए एंड मेरे ही लिंक से एक्टिवेट होगा। टूर्नामेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो जिसमें फर्स्ट प्राइज मिनिमम ₹1 करोड़ है। सोचो और भी कितने बड़े प्राइजेस होंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो एंड यूज करो मेरा कोड थगेश23 एंड डिपॉजिट करते आपको 20% एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा। मैंने तो अपनी टीम बना ली है भाई, आई तो ट्रस्ट माई 11 सर्कल इज 100% सेफ एंड टाटा IPL का इस बार माई 11 सर्कल ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है। सो मेक योर टीम ऑन माई 11 सर्कल फॉर राजस्थान वर्सेस बेंगलुरु नाउ। जैसे YTFF होता है YouTube फैन फेस्ट, वैसा YTTF होना चाहिए YouTube ट्रेंडिंग थेला फेस्ट। अच्छे दीदी सिर्फ डॉली भाई से मोटिवेशन ले रही है, इंग्रेडिएंट्स नहीं चटनी समझ के डाल देती वड़ा पाव में। लोग सपने देखते थे, थेले से दुकान लेंगे, दुकान से होटल बनाएंगे, इनके ऐसा सब लोग इन्फ्लुएंसर बना तो नाश्ते में काली चाय में पार्ले जी डुबो के खाना पड़ेगा। जी खाना पड़ रहा है काली चाय में डुबो के। और क्या, पनौती की बात हो रही है, एमबीए चाय वाले से भी बड़ा कोई पनौती है तो है बिग बॉस की ट्रॉफी। यस, मुनावर भाई को अरेस्ट स्लैश डिटेन कर लिया क्योंकि वो मुंबई एक हुक्का पार्लर में हुक्का पी रहे थे
एंड वहां पे पुलिस की रेड पड़ गई। इतना चीप लगता है ना सुनने में, मुनावर हुक्का पार्लर की रेड में पकड़ा गया। एक तो ये बिग बॉस कंटेस्टेंट का मेरे को मालूम नहीं क्या चल रहा है, शनि चल रहा है, कौन सी दुर्दशा चल रही है। चले बिग बॉस के घर के बाहर तो आ गए, इनके टास्क ही खत्म नहीं हो रहे। किसी का सांप वाला टास्क खत्म नहीं हो रहा है, किसी का धुएं वाला खत्म। एक तो बिग बॉस के ना नेक्स्ट सीजन का प्रमोशन करने का भी जरूरत नहीं है, प्रीवियस कंटेस्टेंट के ही न्यूज चल रहे हैं अभी तक। लेकिन कोऑर्डिनेशन देख रहे सही है, जब तक एक बाहर आता है दूसरा अंदर जाता है, दूसरा अंदर जाता है एक बाहर आता है। कोऑर्डिनेशन अगर हमारी आरसीबी में होता तो आज। और ये हुक्का पार्लर में कौन पकड़े आता है मुनावर भाई? थगेश भाई से सीखो, लेडीज पार्लर में पकड़े आता है। ये मैं बोल रहा हूँ मुनावर भाई, ये अंजलियंस ने टिप दी आपकी 100%। मजाक उड़ाया था ना आपने, ये सब बंद करो वरना वो दिन दूर नहीं जब लोग आपके जोक्स पर नहीं न्यूज हेडलाइंस पर हंसेंगे। इस पे एलविश ने भी फिर कमेंट किया था, दोनों ना ट्वीट और स्टोरीज डालने से अच्छा एक यज्ञ वग्न कर लो कुछ, वहां पे आग में घी डालो, जो करियर में आग लगी है वो शायद बुझ जाए। और क्या जाट से हमने अभी एक कोलैब किया, यू नो बैटमैन हरियाणा का। लेकिन एक और जाट की न्यूज आ रही है, एक जाट इन्फ्लुएंसर जिसकी गोल्डन कार थी उसको ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करने के लिए अरेस्ट किया। भाई ये क्या लफड़ा सेंट्रल में आने का ऑडिशन दे रहे क्या, क्या कर रहे? और ये दिल्ली वालों का मेरे को अभी तक समझा नहीं, लोगों को मुंबई वालों का ही कॉपी करना होता है, वहां पे ट्रैफिक नहीं तो रिक्रिएट कर रहे कॉपी करने मुंबई वालों का। हमारे इधर भी ट्रैफिक, हमारे इधर वो गोल्डन बॉयज है उनको भी गोल्डन बनना है। गाड़ी काटना रे, गाड़ी के ना रिवर्स। एक तो ये इतना गोल्ड पहना है, तिजोरी की चाबी भी घूम गया है क्या? देखो एक होती है रैश ड्राइविंग, एक होती है गाड़ी का डोर खुला रख के ड्राइविंग करना। ये हमारे इधर एसटी के बस ड्राइवर करते, थाने से विरार जाने वाली बस। और भाई ने स्वैग स्वैग में पुलिस का बैरिकेड भी जला दिया। कई बैंड के टके जो कहते ट्रैफिक करके पुलिस का नुकसान, बैरिकेड जला के पुलिस का नुकसान, एग्जिस्ट करके सोसाइटी का नुकसान। एक तो ये सब लोग की वजह से ना इधर मुंबई में सब लोग डरते हैं कि नॉर्थ में तो किसी को गाड़ी चलाने को ही नहीं आता। देखो रोडीज का ऑडिशन नहीं चल रहा है, ये रियल लाइफ है ओके। यहाँ फेमस होके ना स्प्लिट्सविला जाओगे। और अभी ये जोक सुन के कोई एड्रेस बिड्रेस मांगना मत, एक ही कंटेंट हम बार बार नहीं डालेंगे समझे। और क्या हार्दिक पांड्या को मिल रहा है जोरदार हेट। एक तो बेचारे हार्दिक को पुराने टीम गुजरात टाइटन से भी हेट मिल रहा है, रोहित शर्मा के फैन से भी मिल रहा है, मुंबई इंडियंस के फैन से भी मिल रहा है। इतनी हेट देख के ऐसा लग रहा है इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में आ गए हो। और अभी ये भी बोला जा रहा है कि रोहित शर्मा खुश नहीं है हार्दिक की कैप्टेंसी से और शायद अगले साल मुंबई की टीम छोड़ दे। मैटर सीरियस छे, रोहित भाई आरसीबी में आ जाओ। बट आई थिंक जो हो गया वो हो गया, एक आदमी पे इतना हेट डालना आई डोंट थिंक अच्छी चीज है। हो गया वो हो गया, मत पसंद करो, लेकिन अगर बू करते इतने सारे लोग एक साथ स्टेडियम में तो इंडिया वालों में ना नया ट्रेंड आया ये बू का। मत करो, बंदा जो भी हो इंडिया के लिए तो परफॉर्म करता है ना। बाकी रोहित भाई का क्या है, इंडियन टीम के कैप्टन तो रोहित भाई है ना। हार्दिक पांडे इंजर्ड झाला ना तरच मुंबई इंडियन जिंकू शकते, रोहित शर्मा किती काय करणार, त्याला लॉन्ग अपला फिल्डिंगला उभा करतोय हार्दिक पांडे, त्याची अवकात तरी आहे काय भोसडीची, त्या हार्दिक पांड्याची अवकात आहे काय? हार्दिक पांड्या ते पुरा गलत डिसिजन लिया है, ये अंबानी क्या है, सोच क्या है उसकी? ओ काका ठंड गया धरा, ठंड गया, ऐसा लग रहा है ये ऑफिस में छुट्टी डाल के आया था मैच देखने। एक तो इंडिया में ना ड्राइवर के साथ वाला पैसेंजर और गली क्रिकेट का अंपायर सब अपने आप को क्रिकेट एक्सपर्ट समझते हैं। अभी रवि शास्त्री क्या है ये सब, ऐसे अंकल लोग को रख लो, अभी कल हार्दिक 100-200 रन मार दे तो मुंबई के यही फैंस उसको सपोर्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम टीम चेंज करने से किसी को नहीं है, परफॉर्म कर दिया सारा हेट खत्म। पता है इंडिया में क्रिकेट इमोशन है लेकिन प्लेयर्स के भी इमोशन होते हैं ना, अभी हर कोई दीपक कलाल उर्फी जावेद थोड़ी है जो हेटर्स को भी ऑडियंस मान ले। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, चुमेश्वरी साउथ। चुमेश्वरी साउथ में आज न्यूज है चेन्नई से। तो चेन्नई में एक ड्रंक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर अपना नेवल दिखा के नंगा घूम रहा है रोड पे। पता है चेन्नई में गर्मी बहुत है लेकिन ऐसा नंगा घूमेगा दोस्त?
एक ही बार में इसने ब्रिटिशर्स और नेवी दोनों की नाक काट दी। भाई पक्का दारू ही पिया था ना, ऑर्गेनिक के नाम पे किसी ने देसी पिला था। लगता है इसके अंदर इसके पूर्वजों की आत्मा आ गई है। 70 साल पहले साइमन गो बैक सुना था, साइमन का कमबैक भी हो रहा है इधर। और ये न्यूज इतनी वियर्ड है कि इसमें इसका नंगा होना सबसे नॉर्मल बात है। ये साला पब्लिक को काट पीट रहा है, दांत से काट रहा है। ये ब्रिटिशर्स पहले लिखते थे ना, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। देखो भाई क्या हाल हो गया। वो तो अच्छा हुआ सब वीडियो में रिकॉर्ड हुआ, वरना जिसको काटा उसकी बीवी कितना शक करती, कहां से लव बाइट लेके आया। एंड जैसा मैंने वीडियो में बताया, 1 रुपए में आप जीत सकते हो सैमसंग S24। यस, इतना महंगा फोन 1 रुपए में। बस डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लिंक से डाउनलोड करने पे आप जीत सकते हो 1 करोड़ SUV कार्स और उससे भी बड़े प्राइजेस एंड 20% एक्स्ट्रा रियल कैश तो मिल ही रहा है आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में है। आईफोन तो बहुत सारे लोग लेके गए, ये तो चांस है भाई, ये तो लेके ही जाना। ठीक है, हरी अब दूसरों से पहले क्लेम करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में।